नमस्ते छात्रों, YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका फिर से स्वागत। आज हम इस वीडियो में आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉर्ड मिंटो है ये 1807 से 1813 ईस्वी तक मतलब भारत में जनरल के पद पर रहा था। तो इससे पहले हमने क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, सर जॉन शोर, वेलेजली, सर जॉर्ज बार्लो, इन सब गवर्नरों के बारे में पढ़ा था। और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को मतलब रोज़ाना देख रहे हो तो आपको एक दो दिन से एक नया वीडियो मिलेगा। और ये जो हमारे वीडियो हैं ये इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी परीक्षाएँ लगती हैं उनमें आप लोगों की बहुत सहायता करेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिएगा, पढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो देखिएगा, जो ये मिंटो प्रथम है ये 1807 में भारत में जनरल बन के आता है, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 13 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और वह अहस्तक्षेप नीति का समर्थक था और उसके शासनकाल में भारत किसी भी बड़े युद्ध में नहीं फंसा। अहस्तक्षेप अर्थात यहाँ के जो भारत के जो देसी राज्य थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी और कई अंग्रेज गवर्नर ऐसे भी आए हैं जिन्होंने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई है, लेकिन इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई अर्थात ये किसी भी देसी राज्यों के मामले में ज़्यादा इधर उधर नहीं करते थे, ज़्यादा मतलब टांग नहीं लगाते थे, ठीक है। और उसने कई राजनीतिक सफलताएं भी प्राप्त की। उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में की गई अमृतसर की संधि थी और अमृतसर की संधि के फलस्वरूप सतलज नदी पंजाब के सिख राज्य तथा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सीमा मान ली गई थी, ठीक है। तो देखिएगा, अमृतसर की संधि के बारे में भी हमने पहले वीडियो बनाया है, आप अच्छे से देखेंगे हमारे चैनल को तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिएगा, जो अमृतसर की संधि है ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेज़ और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी और इसकी शर्तें क्या थी, सतलज नदी रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान ली गई थी, ठीक है। और मतलब कि एक और शर्त यह थी कि रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में स्थित राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था, ठीक है। अब देखिएगा, भारत पर फ्रांस और रूस के सम्मिलित हमले को रोकने के लिए लॉर्ड मिंटो ने 1808 ईस्वी में सर जॉन माल्कम को दूत बनाकर फारस भेजा और उसी साल माउंट स्टुअर्ट एल्फिनिस्टन को अफगानिस्तान के अमीर शाह सुजा के पास से भेजा था। फ्रांस और रूस के खतरे को दूर करने के उपायों के बारे में दोनों राज्यों से समझौता किया गया और 1810 ईस्वी में फ्रांस और रूस की दोस्ती टूट जाने से यह खतरा भी दूर हो गया था, ठीक है। फ्रांस के हमले का भय अब भी बना रहा और लॉर्ड मिंटो प्रथम ने 1810 ईस्वी में पश्चिम में बोबर्न तथा मॉरिशस के फ्रांसीसी द्वीपों को तथा पूर्व में डच लोगों के द्वारा अधिकृत अम्बोमना तथा मसाले वाले द्वीपों को तथा 1811 ईस्वी में जावा द्वीप को जीत लिया। इस प्रकार से लॉर्ड मिंटो प्रथम ने फ्रांस और पूर्वी द्वीप समूह के जो उसके अधीनस्थ राज्यों के बढ़ाव पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगा दी थी, ठीक है। अब देखिएगा, जो लॉर्ड मिंटो प्रथम है इसके काल में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया चार्टर दिया जिसके द्वारा पुनः कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के द्वारा 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के ऊपर और पुनरुत्थान के लिए भी रखे गए थे, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम आपको 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, इस वीडियो में हमने लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो प्राप्त की।
आगे के वीडियो में हम आपको और इम्पोर्टेंट जो भी मतलब गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल है, वाइस राय है, इनके बारे में पढ़ाएंगे। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।